सोनेगांव पुलिस थाना अंतर्गत एमएसपी के ठेकेदार की लापरवाही के चलते एक 42 वर्षीय व्यक्ति की जान जाने का मामला सामने आया है, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है और पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। मिली जानकारी के अनुसार 18 मई को मृतक प्रशांत फलावी ये सोनेगांव पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले दिल्ली पब्लिक विहार के बाजू में स्थित बिजली के खंभे पर काम कर रहा था, जिस दौरान इलेक्ट्रिक का करंट लगने की वजह से वो नीचे गिर गए। उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। इस संबंध में जब आगे की जांच की गई, तो ये बात सामने आई कि एमएसपी के ठेकेदार आरोपी स्वप्निल सावरकर और बाकी अधिकारियों ने मृतक को सुरक्षा की दृष्टि से जो चीजें मुहैया कराई जानी थी वो नहीं की है, जिसके चलते उनकी जान गई। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक दिलीप साकर ने अधिक जानकारी साझा की। दिनांक 18/5/2021 को मिहान में एमएससीबी की तरफ से लाइट का कुछ काम चालू था, तो वहाँ पर एक प्राइवेट ठेकेदार है स्वप्निल सावरकर, इनके अंडर में काम करने वाले थे प्रशांत कौड़ो भलावी, उम्र उनके 42 साल रहने हैं, वो परसोड़ी के रहने वाले हैं। तो जब पोल के ऊपर चढ़ गए तो उसके बाद में दो तारों का उन्होंने काम किया, तो तीसरे तारों को जैसे उन्होंने हाथ लगाया तो वहाँ पर उनको करंट लग गया, और करंट जैसे लग गया तो नीचे गिर पड़े। तो तुरंत वहाँ पर मौजूद लोगों ने उनको मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ तक डॉक्टर ने उनको ब्रॉड डेथ घोषित किया गया। तो उसके तपास के अंदर चौकशी में मालूम पड़ा कि जो ठेकेदार था उन्होंने उनको जो नीचे काम करने वाला था प्रशांत भोड़ो कलावी मृतक, उनको जो सुरक्षा के उपाय में से जो काम जितने भी मौजूद संसाधन वो देना चाहिए था लेकिन उन्होंने दिए नहीं, इस वजह से उनको करंट लग गया और नीचे गिरकर उनका मृत्यु हो गया, और उनका जो लापरवाही की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, ये कारण से पुलिस स्टेशन सोनेगांव में अपराध दर्ज किया है, आगे का तपास चालू। नहीं, अभी अरेस्ट नहीं। पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है और इस संबंध में पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।